Good morning, children. Yesterday we discussed about the, we started the unit chemical kinetics and we were discussing about the average rate of a reaction and instantaneous rate of a reaction. Then we discussed about the rate of a chemical reaction, how can we find out the rate of a chemical reaction, then about the that increase in the concentration of products versus time, or decrease in the concentration of the reactants with time, unit time, that gives the rate of a reaction. Now this was the example that we were discussing, butyl chloride at different times. Now this is the time has been given and the concentration of butyl chloride has been given. How can we find out? Now this is a question. This is the butyl chloride, right? And butyl chloride moles per liter कंसंट्रेशन दी हुई है. इसमें कंसंट्रेशन हमारे पास दी हुई है देखो 0 से 50 सेकंड्स के बीच में. सो इट मींस 50 सेकंड्स का हमारा टोटल है, राइट? सो 50 सेकंड्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 टू 50 सेकंड्स में टाइम आ गया 50 सेकंड्स. और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी हमारे पास, 0.1 मोल थी. उसके बाद जो रह गई सेकंड जो है हमारे पास रह गई, दैट इज द 0.0905. सो R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा हमारे पास. रिएक्शन वी कैन फाइंड आउट, सो रिएक्शन इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट. ये हमने कर दिया और इसमें जो है हमारे पास दिस कम्स आउट टू बी 1.96 इंटू 10^-4. तो ये हमारे पास इस तरीके से जो है वी कैन डू द रिएक्शन. फॉर एग्जांपल वी कैन 200 टू 300 सेकेंड्स के बीच में अगर हमें फाइंड आउट करना है, 200 एंड 300 के बीच में, राइट? सेकेंड्स आ गए हमारे पास, टाइम आ गया हमारे पास, टाइम आ गया तो इसका मतलब है 200 से 300 के बीच में. सो इट मीन्स टाइम आ गया 100 सेकेंड्स. और हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन आ रही है हमारे पास 0.0549 और 0.067. अब देखो हमारे पास जो है 200 से 300 सेकेंड्स के बीच में, ठीक है ना? तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, देखो इसमें दी हुई है ना आपके पास कॉन्सेंट्रेशन 0.0675 से 0.0549 रह गई हमारे पास 200 से 300 सेकेंड. सो 100 सेकेंड्स आ जाएगा डेल्टा टी, इनको माइनस करेंगे टी R2 माइनस R1, सो दैट विल गिव द डेल्टा R. सो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास. सो दिस गिव्स आउट टू बी R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा. दिस कम्स आउट टू 1.22 × 10^-4. इस तरीके से जो है वी कैन फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन और बिटवीन एनी इंटरवल टाइम. कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम दिया हो हमें, हम तो फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ रिएक्शन दैट इज A+B दैट गिव्स 2C, इट मीन्स इट इज द टू रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू द 2 times the rate of disappearance of B that gives the rate of appearance of C. This is equals to the rate of appearance of C. यानी 2 times the rate of, ये है 2C appear हो रहा है, 2 इसको हम unity, अगर unique बना देते हैं, unity बनाते हैं, 1 लेके जाते हैं. So it means 2 times the rate of disappearance of A is equals to 2 times the rate of disappearance of B and this equals to the rate of appearance of C. अप टू गेट द यूनिक वैल्यू हमें कल बात कर ली थी हमने कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा अगर इफ देर इज एनी कॉफिशियंट स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशियंट दैट इज टू बी इन दैट इज इन्वॉल्व इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सो दैट विल बी दैट विल कम अंडर द दैट विल बी यूज एज अ डिनोमिनेटर इन अ डिवाइड इट दैट विद दैट स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशियंट वी विल डिवाइड द दैट पर्टिकुलर रेट. फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ अ रिएक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा ए रिएक्टेंट है, माइनस साइन दे दिया हमने, रिएक्टेंट है माइनस साइन दे दिया, प्रोडक्ट है प्लस साइन है, बट द स्टेक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2, सो इट इज 1/2. 2 से हमने डिवाइड कर दिया, राइट? सो एवरेज रेट जो है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी दैट इज इट इज इक्वल्स टू द डेल्टा पी अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन द डेल्टा टी. और अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखना हो तो हमें अगेन माइनस डी यूज करेंगे हम, डी वे फॉर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन दैट इज व्हेन द टाइम अप्रोचेस टू जीरो ओनली, राइट? अप्रोचेस टू टुवर्ड जीरो मींस वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट विल गिव अस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन. नाउ इन दिस केस नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द
इन दिस केस वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हमने ये बात कर ली थी एच जी प्लस सी एल टू एच जी सी एल टू डेल्टा एच जी माइनस बिकॉज दिस इज रिएक्टेंट दिस इज माइनस दिस इज अगेन रिएक्टेंट दिस इज प्रोडक्ट नो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सो नो देर इज नो division with that stoichiometric coefficient. In this case 2hi plus h2 plus i2, so again there is stoichiometric coefficient, so it will be 1 by 2 and reactant hai minus sign aa gaya, yahan pe plus sign aa jayenge hamare paas. Similarly in this case also yahan pe hamare paas stoichiometric coefficient 5 hai, so we will divide it with 5. Here no stoichiometric coefficient, there is no need, reactant hai minus sign. In this case plus 6hin, so it will be divided by 6, reactant again minus 3 hai, 1 by 3, 3 hai, 1 by 3, products and so positive signs. So in this case, in this way we can do the, we can write the rate of any reaction, balanced chemical equation, theek hai, ye humare paas aa jata hai. फॉर एग्जाम्पल नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें हमारे पास क्या है. फॉर द रिएक्शन आर टू पी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स. कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड्स. यानी कि हमें मिनट्स में भी फाइंड आउट करना है रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन और सेकेंड्स में भी फाइंड आउट करना है. मिनट्स में तो हमें दिया ही हुआ है, तो हम ऐसा 25 यूज कर लेंगे और मोलर कंसेंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन आ जाएगी. 3 से 2 में जा रहा है हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन आर वन क्या है हमारे पास 0.03, फाइनल क्या है 0.02 मोलर. डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा आर और चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.03 से ये 0.01 मोलर आ जाएगी. टाइम इंटरवल क्या है 25 मिनट, दैट कैन बी 25 मिनट्स एंड दैट वी कैन फाइंड आउट. सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा तो मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट. सो इन दिस वे वी कैन यूज द वी कैन डू द न्यूमेरिकल. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन रिएक्शन 2A changes into products, the concentration of A decreases from 0.5 molar moles per liter to 0.4 moles per liter in 10 minutes. अब आपने ये क्वेश्चन करके देखना है, यू हैव टू डू इट बाई योर ओन. और अगर आपका ये आपसे सॉल्व हो जाता है देन गिव मी द रिप्लाई. इफ इवन इफ यू आर फीलिंग सम प्रॉब्लम वी विल डू इट टुमारो, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस. दीज आर द फर्स्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, राइट. नाउ इफ देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वी आर सेइंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. सो इनिशियली देयर आर ओनली रिएक्टेंट्स, ठीक है. So it means it is directly proportional, rate of a chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reactants. If concentration of reactant is large, rate of a reaction will be high. ठीक है. As the concentration of the reactants decreases with time, धीरे धीरे concentration decrease हो रही है क्योंकि reactants product में convert हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, reactants की concentration कम हो जाएगी तो rate of a reaction that will also will be less. With the passage of time, rate of a reaction decreases. ठीक है. Now temperature of the next आ जाता है हमारे पास temperature of the system. For mostly the reactions are directly proportional to temperature. As we increase the 10 degree rise in temperature, there is almost reaction chemical reaction जो है that becomes double. सो इट मीन्स वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट. टेम्परेचर भी जो है इट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल विद द इंक्रीज ऑफ with the rise of 10 degree temperature, rise of 10 degree temperature अगर हम rise कर देते हैं, increase कर देते हैं तो their rate becomes triple double. Surface area, जितना ज़्यादा surface area होगा उतना ज़्यादा reaction होगा. अब अगर हम इसमें जो है जैसे iron के जो है अगर हम
पीसीज लेते हैं उसमें रिएक्शन कम होगा, लेकिन अगर हम उसमें पाउडर लेते हैं तो रिएक्शन सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, उसका रिएक्शन भी फास्ट होगा हमारे पास। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस स्पीड्स ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन, और इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट बींग कंज्यूम्ड इटसेल्फ। सो कैटलिस्ट जो है, मोस्टली द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन और रेट ऑफ अ रिएक्शन। समटाइम एक्सेप्शंस आर देयर, सम कैटलिस्ट आर देयर विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन, दीज आर नोन एज इनहिबिटर्स और नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। वी ऑल नो दैट द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि रेट्स ऑफ अ रिएक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स। हाउ? ए केमिकल, नाउ वी नो दैट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स, ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट्स। नाउ इफ द बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन ईजिली, द रिएक्शन विल बी ऑब्वियसली फास्ट। If the reactants bond जो हैं, they cannot be broken easily, they are strong bonds, so it means they cannot be broken easily, so the reaction rate of a reaction will be slow. For example, in this case, NO plus O2 in the presence of oxygen, it forms NO2. This is very fast reaction. But carbon monoxide, oxygen that form carbon dioxide, it's a slow reaction. Here we can see that it seems that the reaction should be same type. दोनों fast होने चाहिए just या स्लो होने चाहिए, हमें एक जैसी नजर आ रही हैं रिएक्टेंट्स, बट द रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन इज फास्ट एंड द अदर रिएक्शन इज स्लो। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कि उनमें बॉन्ड्स किस तरह के बने हुए हैं, राइट? नाउ डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन रेट्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का जो है, अगर हम रेट बनाते इसमें जो है प्लॉट करते हैं, रिएक्टेंट पहले, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम थी व्हेन द टाइम वॉज, अभी स्टार्ट किया हमने तो उसमें जो है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन थी, धीरे धीरे ये जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे पास कम होती जाएगी उसकी, ठीक है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है जी, नाउ ये आ गया हमारे पास, ये क्या है? दिस इज द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स and this is decrease in concentration of reactants. So this is how the dependence of the reaction rates on the concentration. Then comes, there was two scientists who gave the quantitative relationship between the rate of a reaction and the molar concentration of the reacting substances. Two Norwegian साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने ये हमें दिया था कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट्स ऑफ अ रिएक्शन एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। अब पहले हम इसको समझ लेते हैं, देन वी राइट द डेफिनेशन, देन वी कैन स्पीक द डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी द रिएक्टेंट्स है, दे आर फॉर्मिंग 2AB, और ए बी जो है दे आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स। Then what is law of mass action? Rate जो है, this is directly proportional to the product of molar concentrations of the reactants. A and B का आ गया product. A क्या है हमारे पास? Reactant. B क्या है? Reactant. So reactants की molar concentration के ऊपर depend करता है. Directly proportional है, proportionality constant आ गया. And this is known as rate constant. ठीक है? So rate constant तक हमने कर लिया. Next we will move to the rate constant के बाद हमारे पास क्या है?